कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन हुआ, तो जहां पे डेल्टा प्लस होगा ना वहां बेंजीन लगेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। सपोज करो बीच वाला ऑक्सीजन से लुईस एसिड बेस किया होता तो ओ पे प्लस आता, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सेम चीज बन जाती है। एक बार फाइनल प्रोडक्ट देने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से ले सकते हो आप। बी में क्लेमेंसन में हमने खास तौर पे लिखा था कि वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, पहले ये H2SO4 का H प्लस और ये OH वाटर निकल के ये कैटायन बनेगा, या फिर इंट्रामोलिकुलर रिंग बनानी है SOCl2 और AlCl3, ये रिंग बन जाएगी। हाँ, जैसे अपन ने फिल्डरग्राफ यहाँ किया यहाँ किया, ऐसे अपन एक बार फिल्डरग्राफ यहाँ और यहाँ कर सकते हैं ना। और C-C' क्या बनेगा? सब ठीक है एकदम? तबीयत तबीयत सही? हाँ, मन लग रहा है? Yes. कोई प्रेशर तो नहीं ले रहा ना? फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी हो गई। पूरी हो गई, शानदार, ठीक है ना। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच। बैठो, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो सब लोग? यार तुम एक साथ इतने लोग कैसे पार्टी दोगे? एक एक करके दोगे ना? सबसे लेंगे, लिस्ट बनाएंगे, बारी बारी से पार्टी लेंगे, ठीक है? चलो, और सब ठीक हो? अपनी दिवाली की छुट्टियां कब से है? डेट लगी होगी ना? पता नहीं है? 29 से। चलो आज का हेडिंग लगाओ, पार्टी भी लेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना फिल्डरग्राफ, वो क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर। अरे भाई, श्रेयांश अग्रवाल कौन है? श्रेयांश अग्रवाल, चाबी देना जरा, ठीक है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर, देखो जरा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। नोटबुक में देखो, दिखाई दिया क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर, ठीक है? उसी का एप्लीकेशन है ये, है ना? काफी इंपॉर्टेंट है ये, बेंजीन से नेप्थलीन कैसे बनाना है ना, ये सीखेंगे अपन आज। उसके पहले आप ये बताओ, अगर मैं बेंजीन में एसिड हैलाइड और AlCl3 डाल दूं ना, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? फिल्डरग्राफ एसाइलेशन। इसका मैकेनिज्म लिखो एक बार, पहले इसका मैकेनिज्म लिखो एक बार, लिखो फिल्डरग्राफ एसाइलेशन का मैकेनिज्म। क्या इसका मैकेनिज्म कैसा होता है भाई? पहले AlCl3 से Cl- माइनस लेगा ना वो, तो क्या बनता है? AlCl4 माइनस, और ये बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज असाइलेम आयन, ये बनता है ना असाइलेम आयन। आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये असाइलेम आयन और बेंजीन की रिएक्शन होती है ना,
बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, एसाइलेमाइन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्ट करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब बताओ लास्ट स्टेप क्या होता है? हाँ, जो कॉन्जुगेट बेस है, यानी कॉन्जुगेट बेस कौन है हमारा, AlCl4-, वो Cl- H लेगा, ये बनेगा कीटोन प्लस HCl प्लस AlCl3। लिखो इसको एक बार, या हम सीधा भी लिख सकते थे यहां पे कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि हम जो बेंजीन से नेप्थीन कन्वर्ट करेंगे ना उसमें फ्रिडलग्राफ एसाइलेशन यूज होगा। या हम सीधा भी बोल सकते थे, देखो बेंजीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये डेल्टा प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो जहाँ पे डेल्टा प्लस होगा ना वहाँ बेंजीन लगेगा और इसका जो एच है वो सीएल के साथ लग जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ बेंजीन से अटैच हो जाएगा। लिख लिया, आगे बढ़े। अब आपको मैकेनिज्म लिखना है, बेंजीन रिएक्ट विद एनहाइड्राइड, ये कौन सा एनहाइड्राइड है, इसका नाम क्या है बताओ, थैलिक एनहाइड्राइड या सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड है ना, तो बेंजीन और सक्सेनिक एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा हमारे पास गामा कीटो एसिड। इसका मैकेनिज्म लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखना है, ये भी फ्रिडलग्राफ एसाइलेशन है। ट्राई करो इसका मैकेनिज्म, कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले ये बताओ इसमें कौन सा ऑक्सीजन मोस्ट बेसिक है, ऊपर वाला या नीचे वाला या बीच वाला, बीच वाला तो रेजोनेंस में जा रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा बेसिक है, वैसे आप कहीं से भी रिएक्शन करो प्रोडक्ट सेम बन जाता है ना, तो सबसे पहले
सबसे पहले अपन ऊपर वाले ऑक्सीजन से, ये AlCl3 हमारा लुईस एसिड है तो लुईस एसिड बेस करेंगे, है ना। इससे क्या बना हमारे पास, O पे कौन सा चार्ज आया, इससे पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम पे चार्ज आया नेगेटिव। अब बताओ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जब कभी भी सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो ना, तो क्या चीज आसानी से बन जाती है, अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बन जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे ना वो उससे रिएक्ट करेंगे। तो अब ये ना मतलब आसानी से इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, अपन इसका करेंगे रेजोनेंस, तो इस ओ पे आ गया प्लस, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाए, अदरवाइज तो क्या होना चाहिए, सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड में रहना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज असाइलियम आयन। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाता है, सिंपल रेजोनेंस पे क्यों नहीं स्टॉप होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब आगे का मैकेनिज्म तो एकदम पहले जैसे होगा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल बेंजीन इस अरेनियम आयन से रिएक्ट करेगा, तो ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये बन गया कीटोन, और ये OAlCl3-। अब बताओ इससे ये कैसे बनेगा, लास्ट स्टेप कैसे होगा ये। हाँ भाई, ये अल्फा एच को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला चाहिए ना, तो अल्फा एच कौन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो हमारा AlCl3 लुईस एसिड है, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ना, ऑक्सीजन एल्युमिनियम बॉन्ड, ये यहां से ले लेगा एच प्लस, और ये बॉन्ड पेयर बना लेगा पाई बॉन्ड, यानी दिस प्लस AlCl3 बन जाएगा। समझे आप, बनाओ उसको। या फिर मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकता था। डायरेक्ट कैसे बनाता, कि भाई मेरे को पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये किस पे लगेगा, बेंजीन पे, और जो H है वो किस पे लगेगा, इस ऑक्सीजन पे। यहाँ बेंजीन लगेगा, फिनाइल रिंग लगेगा, यहाँ H लगेगा। समझे आप, अब लिखो इसका मैकेनिज्म। और अगर आपने बीच वाला ऑक्सीजन भी लिया होता ना, सपोज करो बीच वाला ऑक्सीजन से लुईस एसिड बेस किया होता, तो O पे प्लस आता, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सेम चीज बन जाती है। क्या पृथ्वीराज, तुमने मेरी बात सुनी कि न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंट में क्या आसानी से बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बनते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आगे जाते रहते हैं। इसमें अगर मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन किया होता तो बताओ कौन रिड्यूस होगा, कीटोन रिड्यूस होगा या एसिड रिड्यूस होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किसन रिडक्शन, कीटोन को रिड्यूस करते हैं ना, एसिड को रिड्यूस नहीं करते वो। लिख लिया पवन, तू भी नोट्स वोट बनाया कर यार, पढ़ा कर थोड़ा। आगे बढ़े, अब तो लिख लिया होगा। अभी जो मैंने एनहाइड्राइड बनाया है, इस एनहाइड्राइड का नाम क्या है ये बताओ,
इसका नाम बता सकते हो कौन सा एनहाइड्राइड है? सक्सेनिक एनहाइड्राइड या थैलिक एनहाइड्राइड? थैलिक एनहाइड्राइड है ना, वन बेंजीन के एडजेशन पे दो एसिड हो तो थैलिक एसिड होता है ना। इसका प्रोडक्ट बता सकते हो आप क्या होगा? अभी मैंने दो बार बताया था कि इसको डायरेक्टली बना सकते हो, डायरेक्टली कैसे बना सकते हो? हाँ, इस पूरे में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है हमारा? ये वाला कार्बन है ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है ना, तो यहाँ लगेगा फिनाइल और यहाँ लगेगा एच, तो अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? वही गामा कीटो एसिड बनेंगे। यहाँ लग जाएगा ये फिनाइल और यहाँ लगेगा ये एसिड, ये अल्फा बीटा गामा, गामा कीटो एसिड। लिखो इसका प्रोडक्ट बनाओ और मैकेनिज्म लिख लो। अरे तक्सु कैसे हो यार, तुम्हारा बधाई का मैसेज नहीं आया देखा मैंने यार, तुमने मेरे को मैसेज बधाई का भेजा होगा ना आयरन मैन कंप्लीट करने पर, क्या मतलब? अच्छा तुम इंटरनेट यूज़ नहीं करते होंगे ना, अभी छोड़ रखा होगा इंटरनेट। अरे ये भवे के जो पीछे बैठे हैं, लेवल वन तुम भूल गए अभी? लेवल वन क्या था याद नहीं अभी? अच्छा तीन लेवल था ना, वन क्या था? वन पीछे जाना, टू क्या था? बाहर जाना, और थ्री गेट के बाहर। अच्छा और वो कहाँ है सिंघाने जी? सिंघाने जी आए नहीं आज? क्या अभी गोवा से आए नहीं अभी तक? सिंघाने जी का दोस्त है ना? क्या भाई कहाँ है सिंघाने जी? गोवा में सेटल हो गए? अच्छा पैर टूट गया वहां पे, तो अभी पैर की प्लास्टर हो गए, उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं। तो है कहाँ पैर का रिपेयर हो रहा है? यहीं पे हो रहा है? सिंघाने जी को बोलना है यार गेट वेल सून है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, छोटी मोटी हड्डी वड्डी सही हो जाती, चिंता नहीं करना, थोड़ा रेस्ट करें प्रॉपर, सही हो जाएगा। भाई लिख लिया सबने? थोड़ा स्पीड में लिखो, सब लोग क्लास के लास्ट में सिंघाने जी के पैर के लिए प्रार्थना करेंगे आज। आगे बढ़े भाई, अब आपको है ना ये सब अननोन बनाना है, जैसे बेंजीन रिएक्ट विद सक्सेनिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इससे बनेगा ए। इसमें आप यूज करो जिंक एमलगम एंड एससीएल, उससे बन जाएगा बी। इसमें एसओसीएल टू डालोगे तो सी, और अगेन AlCl3 डालोगे तो बनेगा D। D में NaBH4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? E। और E में आपको ऐड करना है H2SO4 and heat, तो बन जाएगा F। F में आपको करना है NBS followed by alcoholic QH। फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन से नेप्थलीन, बनाओ उसको। लास्ट प्रोडक्ट दे दिया, मतलब बीच में आपको कुछ मोल्स वगैरह ज्यादा यूज करने आप यूज कर सकते हो। एक बार फाइनल प्रोडक्ट देने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से ले सकते हो आप, पूरी जी जान से ट्राई करो।
अरे भागलपुर, क्या कैसे हो? बिहार से? ठीक है, बारिश वारिश सुना है बिहार में बहुत हुई इस बार, राजस्थान में भी बहुत हुई है, तो बाढ़ बाढ़ तो नहीं आई ना तुम्हारा? बिहार साइड में, असम बिहार साइड में बाढ़ बहुत आती है ना, ब्रह्मपुत्र से आती है, पता नहीं कौन सी नदी से आती है, एक दो साल से नहीं देख रहा हूँ, पहले तो आती थी बस। या तो तुम इधर आ गए ना इसलिए बाढ़ आना बंद हो गया। बनाओ भाई, नेपथलीन तक पहुंचना है तुमको कैसे भी करके, सीधे तरीके से बन जाए तो ठीक, नहीं तो डायट बना देना कि बन गया। ए तो बन गया ना सबका, और बी भी बन गया होगा। बी में क्लेमेंसन में हमने खास तौर पे लिखा था कि वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। एसिड का रिडक्शन BH3THF से होता है या फिर LAH से होता है। इसके सारे बन जाए वो हाथ ऊपर कर लेना एक बार। आगे बढ़े, चलो आपने ए बना लिया होगा, ए में तो ये कट करके यहां बेंजीन लगाया होगा ना आपने, आपने बनाया होगा गामा कीटो एसिड, यहां तक ठीक है। फिर आपने किया क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये कीटोन रिड्यूस होके एल्केन बदल गया, CO की जगह बन गया CH2, यही बनाया आपने। अब SOCl2 से क्या किया, OH की जगह पे क्या लगेगा बताओ, Cl, ये लगाया ना आपने। अब बताओ C2D क्या किया, C2D ये AlCl4 बन के ये कैटायन बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये इंट्रामोलिकुलर फ्लोरोग्राफ्ट है, इंट्रामोलिकुलर फ्लोरोग्राफ हो जाएगी। इंट्रामोलिकुलर फ्लोरोग्राफ्ट से ये बना हमारा कीटोन। अब बताओ NaBH4 से क्या होगा, कीटोन का रिडक्शन हो गया, क्या बनेगा अल्कोहल। H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपना, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा बताओ, एल्कीन, ये बनाया तुमने। अब बताओ NBS से क्या होगा, अल्फा पे यहाँ क्या लगेगा, ब्रोमीन, और अल्कोहल की वजह से E2 हो जाएगा, तो E2 हो गया ही बन जाएगा ना, पहले BR लगाओ फिर अल्कोहल की वजह से HBR निकाल लो। समझे आप,
आगे बढ़े। आप है ना यहां से यहां पे डायरेक्ट भी आ सकते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर फिल्डोग्राफ्ट के लिए। टाइट कैसे आ सकते हो कि अगर मैं यहां पे H2SO4 डाल दूं ना तो भी ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। H2SO4 से कैसे होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर? पहले ये H2SO4 का H+ और ये OH वाटर निकल के ये कैटायन बनेगा और ये कैटायन बन गया तो फिर आगे क्या हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर फिल्डोग्राफ्ट। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं एसिड में कार्बोक्सिलिक में H2SO4 या HF डालो सीधा ये बन जाएगा, या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिंग बनानी है SOCl2 और AlCl3 ये रिंग बन जाएगी। समझे आप? आगे बढ़े हम। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो इसका, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार बेंजीन की जगह टॉलीन है, टॉलीन सक्सेनिक एनहाइड्राइड। एक सवाल बन गया ना अच्छे से, बाकी सब बनने लगेंगे ये। फिर जिंक एमलगम HCl बनाओ बी, H2SO4 से बनाओ सी, LAS से बनाओगे डी। H2SO4 से ई, और इसमें ऐड करो लास्ट में सेलेनियम हीट या PDC। ये बन जाएगा बीटा पे मिथाइल लगेगा। और भाई नीर भी ठीक हो? एयरफोर्स वगैरह बढ़िया एकदम। अभी इसराइल ने अटैक किया ना लेबनान पे, एक वो है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, बॉर्डर है ना इसराइल का लेबनान से, तो उनको खबर मिली कि उसका चीफ वहाँ पे 5 मतलब अंडरग्राउंड में नीचे था, वो 5 बेसमेंट है, 5th-5 में था वो, और उसको 20 साल से वो ट्रैक कर रहे थे, 3-4 बार अटैक कर चुके हैं उस पर, वो हर बार बच गया। वो इतना मतलब एक तो वो पब्लिक आता नहीं है और दूसरा वो अंडरग्राउंड इतना रहता है कि मिसाइल्स बॉम्ब काम ही नहीं करते हैं। इस बार पता है क्या किया उन्होंने? उनको जैसे ही खबर मिली कि वो मीटिंग करने वाला है ना, तो -5 उन्होंने जितना वो बड़ा बिल्डिंग थी ना, जैसे मान लो ये पूरी बिल्डिंग है ऐसे, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और बिल्डिंग लेते हैं दूर की, ठीक है ना, उन्होंने वहाँ पे, उनको पता था वो अंडरग्राउंड बहुत रहता है, उसको आइडिया था कि भाई मिसाइल या बॉम्ब काम नहीं करेगा, उन्होंने 80 बॉम्ब गिराए वहाँ पे, 80 बॉम्ब एंड मिसाइल। तो उससे क्या हुआ कि इतना सफोकेशन हो गया कि आप निकलोगे कैसे, तो वो सफोकेशन के कारण मारा गया। उसके साथ वो 20-25 थे, वो तो सब गए, लेकिन जो मेन था ना वो सफोकेशन से और डर से, मतलब इतना उन्होंने मतलब बॉम्ब गिराते ही गए जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई वो गया नहीं।
गजब यार, अब कई बेगुनाह मारे गए होंगे बेचारे, कई तो चाय पानी पिला रहे होंगे वो और चले गए। इसलिए ताकत जिसके पास है ना, सब उसके पास। कोई बोल भी नहीं रहा है कि बम क्यों गिरा दिया। तो इजराइल की एयरफोर्स ने किया, इसलिए मेरे को याद आ गया एयरफोर्स। क्या भाई लिख लिया सबने? आ गया फाइनल प्रोडक्ट। पहले अटैक, ये टॉलिन पे अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। अगर मान लो गलत बन रहा है लास्ट में जाके, तो यहां देखो मैं कहां अटैक करूं, है ना? थोड़ा बैकवर्ड जाके चेक करो वापस। वैसे बताओ CS3 कैसा डायरेक्टिंग नेचर है, ये ऑर्थो पैरा है या मेटा है? ये डोनेटिंग ऑर्थो पैरा है ना, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का, या उसके ऑर्थो पे करो या फिर इसके पैरा पे करो। देखो किससे आ रहा है ये प्रोडक्ट, पैरा से आ रहा है ये। वैसे तो पैरा ही होने चाहिए क्योंकि ज्यादा ये बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सब पैरा पे अटैक करते हैं। और अगर आपने ऑर्थो पे अटैक किया तो भी लास्ट में पता चल जाएगा आपको। तो अगर हम पैरा पे अटैक करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? टॉलिन के बाद ये कीटोन, ये बनेगा ना भाई। फिर ये जिंक एमलगम HCl से क्या होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। फिर H2SO4 से वाटर निकल के इंट्रा मॉलिकुलर फ्लोरोक्राफ्ट, है ना। और फिर आगे रिडक्शन और फिर डिहाइड्रेशन, और इससे क्या होता है? सेलेनियम, PDC और सल्फर, ये सब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं ना, H2 निकाल देंगे ये। तो यहां से निकाल दो आप H2, डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो पहले वाले एग्जाम्पल में तो क्या बेंजीन था, कहीं भी अटैक करोगे नेप्थ्यून बन जाएगा। तो थोड़ा सा टॉलिन है तो दो अटैक ऑप्शन है, समझे आप? तो बेस्ट तरीका यही होता है अटैक करके आगे बढ़ जाए। और बनाते बहुत सारे एग्जाम्पल है। आगे बढ़े, थर्ड एग्जाम्पल लिखो। बनाते जाओ साथ साथ।
सेलेनियम सल्फर पीडीसी लिखा हो, मतलब वो एरोमेटाइज कर देगा उसको, है ना। आप एच टू निकाल के डीहाइड्रोजनेट करके उसको एरोमेटिक बना लो। तक्सु यार तुमने मेरे को स्नैपचैट पे किया होगा यार, बधाई वहां दी होगी यार, क्योंकि मैं स्नैपचैट चलाता नहीं हूं ना, वहां दी होगी बधाई तुमने यार। उपाध्याय जी के जो आगे बैठे हैं, प्रमोट होते तो रह गए तुम लेवल वन में। ये जैकेट क्यों पहन रखा है, ठंड लग रही है, बुखार आता है यार? मेरे यही प्रॉब्लम हो रही है, बाल कम हो गए ना यार, ठंडी हवा लगती है ना, एलर्जी होती है यार। सोच रहा हूँ यार हेयर ट्रांसप्लांट करो, कन्फ्यूज हो रहा हूँ कौन सी स्टाइल में करूँ, शाहरुख खान की स्टाइल में या ऋतिक रोशन की स्टाइल में। कीमती होते हैं बाल, तुम लोग ध्यान रखा करो अपने बालों का। बाल उड़ने का मेजर कॉज है स्ट्रेस, पेट में खराबी है ना, या उनकी देखभाल नहीं करना, ऑयल वॉयल नहीं लगाना। हो गया भाई, आ गया। चलो भाई ए क्या बनाया बताओ। ए तो तुमने फिलोग्राफ असाइलेशन कर लिया होगा ना, गामा कीटो एसिड बना लिया, यहां तक ठीक है। फिर आपने क्लिमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस करके CH2 बनाया होगा, क्लिमेंसन एसिड को रिड्यूस नहीं करता है ना। फिर HF से क्या किया बताओ, वाटर निकाला और इंट्रा मॉलिक्यूलर फिलोग्राफ्ट। HF से H2SO4 से आप इंट्रा मॉलिक्यूलर फिलोग्राफ्ट कर सकते हो, ये बन गया कीटोन है। अब बताओ D क्या, D तो क्लियर हो ही गया, क्लिमेंसन रिडक्शन। अब ये समझ में आ रहा है D से ये कैसे बना होगा, हाँ मतलब अपन एच निकाल देंगे, जैसे मान लो एच डॉट निकाल दिया फॉर एग्जांपल, तो ये एक डॉट और ये एच डॉट, ये डॉट इनका आप रेजोनेंस कर दो। आपको एक्सप्लेन करने के लिए भाई कैसे भी डीहाइड्रोजनेशन 1-2 पोजीशन से कर सकते हैं, डीहाइड्रोजनेशन 1-4 से कर सकते हैं, इनका आप रेजोनेंस कर दो। ये बन जाएगा, समझे आप, जैसे अपन है ना 1-2 पोजीशन से H2 निकाल के पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वैसे ही 1-4 से भी आप H2 निकाल सकते हो, 1-6 से निकाल सकते हो। फिर वो रेजोनेंस करके डॉट डॉट आ गया, इसने पाई बॉन्ड बना लिया। क्या भाई मनमोहन समझे, आगे बढ़े।
फोर्थ लिखो, इसमें आपको दो बार NBS करना है, फिर आपको दो मोल KCN, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर HF, फिर जिंक एमलगम SCL और फिर पैलेडियम चारकोल PDC। ये सब करोगे तब जाके बनेगा पायरीन। बनाओ जरा इसको। एक तो ये पायरीन होता है, एक पायरीन CCL4 को भी बोलते हैं। देखो जरा कैसे बनाइए। आ गया भाई। तो पहले NBS से
आपने ब्रोमीन ब्रोमीन लगाया होगा ना, और फिर KCN से CN CN साइनाइड लगा लिया होगा, उसके बाद क्या क्या बताओ, फिर हाइड्रोलिसिस से इसका एसिड बनाया, और फिर ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोटोग्राफ किया होगा, है ना। तो आपने बना लिया होगा बेंजीन के साथ, फिनाइल रिंग के साथ, ऐसा कुछ बनाया ना आपने, और फिर जिंक एमलगम HCl के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया, और फिर PDC के साथ 2 मोल H2 निकाल लिए उसके, है ना। यहां से H2 निकाल लेंगे, फिर यहां पाई बॉन्ड बना लेंगे, यहां पाई बॉन्ड बना लेंगे, समझ गए भाई। आगे बढ़े, फिफ्थ वाला ट्राई करो, ये है ऑर्थोजाइलीन, इसमें यूज किया हॉट अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय H+, तो उससे A बना, इसमें H+ हीट किया तो B बना, B में बेंजीन और AlCl3 यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C। जिंक एमलगम HCl से D बन गया, फिर H2SO4 से E, LAH, फिर H2SO4, ट्राई करो।
ये हॉट KMnO4 क्या करता है भाई, हाँ अल्फा एच की जगह एसिड बना लेता है ना, और ये होता है हमारा हॉट अल्कलाइन KMnO4, यानी ये सॉल्यूशन कैसा होता है बेसिक। तो अगर आप हॉट KMnO4 डालोगे तो एक्चुअल में क्या बनता है, पहले सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है बेसिक मीडियम में, तो ये सॉल्ट बनेगा ना भाई। इसमें आप एच प्लस डालोगे तब जाके थैलिक एसिड बनेगा। हॉट अल्कलाइन KMnO4 डायरेक्टली एनहाइड्राइड नहीं बना सकता क्योंकि वो एसिड ही नहीं बनाता है, वो तो बेसिक मीडियम में सॉल्ट बनाता है, समझे आप, इसलिए बाद में एसिड डालना पड़ेगा तब जाके थैलिक एसिड बनेगा। और फिर थैलिक एसिड में अपन हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये थैलिक एनहाइड्राइड। ये गूगल वाले बच्चों ने वो देख लिया हाइड्रोकार्बन पूरा, आयुष्मान तो पहले ही देख लिया था तुमने, हाइड्रोकार्बन देखा नहीं, आयुष्मान पूरा देख लिया तुमने, उसकी सीट वीट बनाई, मतलब तैयार हो एकदम, पर डिस्कस करना है उसको ना। हो गया भाई पूरा, आगे आगे वाला तो समझ में आ रहा है ना, जैसी बेंजीन और AlCl3 देखो ना तुम, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है ना बेंजीन के साथ। फिर आगे का तो वही फिडलग्राफ एसाइलेशन करेंगे और फिर करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। इससे आपने फिनाइल एक और लगा लिया होगा एसिड, फिर D2E क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर फ्लोरोग्राफ, और E2F इज ए क्लेमेंसन रिडक्शन। और F के बाद डीहाइड्रोजनेशन, समझ गए भाई। यार वो बीच में ना वो एक न्यूज आई थी कि वो है ना वो पेजर फट गए, पेजर ब्लास्ट हो गया, पता है तुम लोगों को, बाहर था तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो लेबनान के अंदर 3,000 या 3,500 पेजर ही होता है, पेजर बताया ना, पेजर फोन के, या जो मोबाइल फ़ोन है ना बहुत महंगे थे पहले, 2001 में मोबाइल का इनकमिंग था 8 रुपये या 16 रुपये पर मिनट था, मतलब आप एक मिनट किससे बात करोगे, इनकमिंग चार्जेस होते थे, तो 8 रुपये 16 रुपये पर मिनट, मतलब आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, तो फ़ोन जिसके पास होता था मतलब है ना, मतलब बहुत हाई, मतलब अंबानी टाइप रिच है ना, तो उसके बाद एक सस्ता वर्जन आया था पेजर, पेजर मतलब छोटा सा डिस्प्ले आता है जिसमें सिर्फ मैसेज आता है, जैसे आप उसको मैसेज कर सकते हो भाई 4 बजे मिलना है, तो छोटा ऐसे नोटिफिकेशन आता है ना अपने, वैसे मैसेज आते हैं, वो पेजर कहलाता था, तो सब लोग पेजर कैरी करते थे यहाँ पर ऐसे, मतलब लगा के रखते थे, ज़्यादा बिजनेस वाले लोग जो हैं कोई सिर्फ आप 1-2 लाइन के मैसेज कर सकते हैं उसमें। तो अभी क्योंकि वो फ़ोन ट्रैक होता है ना, तो लेबनान के अंदर, लेबनान ही था ना कंट्री, कौन सा था, लेबनान था, हिजबुल्ला किसमें है, लेबनान में, तो वो लोग यूज़ नहीं करते थे टेररिस्ट लोग फ़ोन, कि भाई हमें तो ट्रैक हो जाएंगे है ना, क्यों, सारा डेटा तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, USA के पास है, उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम फ़ोन ही यूज़ नहीं करेंगे, हमें ट्रैक क्या करेंगे, हम फ़ोन ही नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे पेजर, और पेजर किससे बनवाएंगे, चाइनीज़ कंपनी से, ताइवान से बनवाएंगे, तो उनके दुश्मन से बनवाएंगे ऐसे ना, तो उनसे बनवा बनू के लिए आए पेजर, मैसेजिंग करते थे। अब पता नहीं, कहते हैं इसराइल ने पता नहीं क्या किया, उस पेजर के अंदर ही उसने RDX लगा दिया, एक्सप्लोजिव लगाया 3-3 ग्राम के उसकी बैटरी के पीछे, तो जब वो पेजर आया उनके हाथ में तो हल्का फुल्का एरर दिखाता था, तो उन्होंने कंपनी को बोला एरर आ रहा है, उन्होंने कोई बात नहीं रीसेट कर लो सही हो जाएगा,
वो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया कि उन्होंने जैसे ही कमांड दी एक साथ 3-4 हज़ार पेजर ब्लास्ट हो गए। अब आप सोचो आदमी पेजर कहाँ रखता है, अपने यहाँ रखता है या ऐसे पढ़ रहा होता है, समझ रहे हो तुम। इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुए 3,500, मतलब हजारों लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया 100-150 लोग मारे गए, मारे बहुत लोग मारे गए होंगे, और 3,000 घायल बताया तो 10-15,000 तो घायल ही हो गए होंगे, इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी। उसके बाद उन्होंने उस पर ब्लास्ट कर दिया, वो वॉकी टॉकी होता है ना, उसके अंदर उन्होंने बीच में कहीं पे गड़बड़ करके मतलब एक्सप्लोजिव लगा दिए। उससे मेरे को याद आया कि यार तो फ़ोन में लगा देंगे, कल को तो हो सकता है अपने आईफोन में लगा दें, आईफोन तो पूरी दुनिया में, चाहे जो वहाँ बेटा कमांड दें फ़ोन उड़ा लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रखना है, समझ में आ रहा है तुम्हारे। अपन खैर अपने को थ्रेट नहीं है, लेकिन मान लो उन्होंने किसी पर्टिकुलर सीरियल के फ़ोन के अंदर कुछ लगा रखा है कि भाई ये मिडिल ईस्ट में जाने वाला है, इनको उड़ाना है, और आप वहाँ पहुँच गए सस्ते में ख़रीद के लिए आए कि यार एक मैं सस्ता वाला मैं ले आता हूँ, तो कमांड दी और ब्लास्ट हुआ तो खेल ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने ना इतने डर गए हैं वो लोग कि वो लेबनान के अंदर इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब उनको एसी से भी डर लग रहा है कि हो सकता है एसी के अंदर कुछ लगा रखा हो, टीवी से डर लग रहा है टीवी के अंदर कुछ लगा रखा हो। तो वो पता है क्या सो रहे हैं, लाखों लोग सो रहे हैं समुद्र के किनारे पे, समुद्र के किनारे जाके वहाँ पे अपने घर के कपड़े वगैरह गद्दे वद्दे लेके जाते हैं, आराम से बिछा के आराम से सोते हैं कि भाई यहाँ सेफ हैं, बाकी हर चीज़ में पता नहीं क्या लगा रखा है। तो मैंने जब पहली बार ये न्यूज़ पढ़ी ना तो मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कहा पेजर के अंदर ब्लास्ट, मतलब तो तुरंत मैंने फ़ोन को दूर रखा है ना, फ़ोन में भी तो हो सकता है भाई, तो ध्यान रखना है। तो ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है, पावर ऑफ वो है, उनके पास अच्छे इंजीनियर हैं तो कंट्री के लिए एसेट है, कितना दिमाग लगाया होगा सोचो आप, कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी। तो ताकतवर देश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी अपने को गुलाम बना लेगा। और ताकतवर कब देश बनेगा, जब वहाँ के लोग जागरूक होंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सोल्जर्स बनेंगे, समझ में आ रहा है तुम्हारे। और अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए अच्छी कोचिंग में जाना ज़रूरी है, और IIT की अच्छी कोचिंग कहाँ है, वाइब्रेंट में, समझ में आ गई तुम्हारे। तो अल्टीमेटली हम देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ गए तुम। तो बहुत इम्पोर्टेंट है देश को सेफ रखना, नहीं तो फिर अपन सब कुछ ना कुछ और कर रहे होंगे। तो लेबनान जैसी हालत होगी तो अपने तो समुंदर भी नहीं है, कहाँ गद्दे लेके कहाँ जाएंगे अपन, अपने को तो रेगिस्तान में जाना पड़ेगा कि भाई गद्दे ला के यहाँ बॉम्ब वॉम गिराना। रात को ठंडी आती, दिन में इनमें से तुम्हें हालत क्या होगी कहीं होगी। चलो आगे बढ़ो, इसकी रिएक्शन करो 2 बेंजीन के साथ एंड AlCl3, इससे बनेगा ANA-. ANA- जो है ये क्या है, हमारे आइसोमर है। जिंक एमलगम HCl करेंगे तो क्या बनेगा, BnB-. ये हमारे आइसोमर है, इसमें H2SO4 एंड हीट करेंगे तो बनेगा CnC-. ये दोनों क्या है, ये भी हमारे आइसोमर है। फिर करेंगे जिंक एमलगम एंड HCl, इससे बनेगा D। इस बार आइसोमर नहीं बन रहा है, A में आइसोमर बन रहा है, B में बन रहा है, C में बन रहा है, D फिर D बन रहा है। और डी में अगर आपने PDC किया तो फिर बनेगा एक बेंजीन रिंग के आगे एक और रिंग नेप्थलीन, फिर क्या एंथ्रीन एंथ्रासीन, इन आगे वाले का तो नाम ही पता नहीं मेरे को, ये इनके परिवार के लोग हैं आगे वाले।
तुमको बताना है ये लोग कौन है, ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, और ये फिर डी अकेला ही कैसे बना, डी डैश क्यों नहीं बना? और सौरभ गांव में कैसे हैं सब? गांव में ठीक है? सौरभ जब आईआईटी क्रैक करेगा तो पूरे गांव फूल मालाओं से लाद के एकदम, क्या वो निकालते हैं ना जुलूस, सौरभ का जुलूस निकालेंगे। जुलूस दो ही लोगों का निकलता है। और भाई संभवी ठीक हो? आजकल मैंने संभवी एक बार नोट की कि यार गूगल ट्रांसलेट भी काम का नहीं है यार। मैं बाहर गया ना, मैं यूज करना पड़ा इटालियन, इटालियन बहुत चलता है ना उधर, तो मैं चैट जीपीटी यूज करता था। अब कहाँ ट्रांसलेट में खोलो, फिर सेलेक्ट करो इन, मतलब हिंदी टू इटालियन, हिंदी मेरे को लिखनी भी नहीं आती, इंग्लिश से इटालियन ऐसे, फिर टाइप करो सीधा चैट जीपीटी में लिख दो डायरेक्ट, कन्वर्ट दिस इनटू इटालियन। और भी अच्छा पता यूज़ क्या है, जैसे कोई मान लो दूध का पैकेट है ना, जैसे होता ना अपने यहाँ लिखा था आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, तो इटली में इटालियन बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो मैं उसकी फ़ोटो खींच लेता था और उसको अपलोड करता था चैट जीपीटी, बोलता एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड कन्वर्ट इन टू इंग्लिश, खट 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 एकदम, कि पता चला सोया मिल गई, तो एक मिल खरीद लिया पता चला ऊँट का मिल गई, तो हमने सोचा गाय का है पता चला ऊँट का है, बाजू में भैंस का भी था, वहाँ सब जानवरों वाइज मिलते हैं ना, ऐसे काम की चीज़ है चैट जीपीटी। तो गूगल ने इतना पैसा लगाया, टूल वूल बनाए, ये बनाए, तो चैट जीपीटी अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा है। गूगल का एक इंजीनियर है जिसने एक चैटबॉट बनाया था 2022 में, वो लॉन्च करना चाहता था, वो 20 साल से गूगल में था, उसने कहा था कि अपन बोट बनाते हैं, इस बोट से मतलब सर्च करेंगे, चैट जीपीटी टाइप है। तो जो ओरिजिनल्स उनको लगा यार ये चैट जीपीटी करेगा, गूगल की इतने सारे टूल ये सब गूगल क्या करेगा, फिर उनको लगा यार ढंग से काम नहीं करेगा, उसके साथ उनका वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो छोड़ के चला गया, इन्होंने छोड़ा या निकाला जो भी हुआ ठीक है ना, वो चला गया, उसको वापस बुलाया अभी उन्होंने, बोला यार वो कहाँ गया 2022 वाला बोट बनाया था, 21,000 करोड़ रुपए है उसकी पैकेज उसका, उसने बोट बनाया था। तो कई बार क्या आप नई चीज़ करते हो ना तो उसकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आती है। क्या चल रहा है? हाँ अच्छा, अभी तो एआई की मतलब इंजीनियर्स की बाढ़ आने वाली, इतनी डिमांड है उनकी, इसलिए हर जगह बाढ़ मतलब हजारों लोग चाहिए भाई, हर कंपनी में एआई चाहिए। तो कोई अच्छा टूल हो तो मुझे बता देना जिससे अच्छी अर्निंग होती हो, है ना भाई, 10-20 करोड़ कमा सकते हो, मुझे बता देना। तुम क्या यूज़ कर रही हो? हाँ, कि इसकी समरी बना दे, क्वेश्चंस बना, हाँ वो तो चैट जीपीटी भी बना देगा। हाँ वो नहीं बना रहा है, वो अल्टीमेटली सब पीछे चैट जीपीटी की एपीआई इंटीग्रेटेड है, कोई भी जो तुम एआई टूल देख रहे हो ना बैकहेंड में चैट जीपीटी है, वो ऐसे कोई एआई टूल थोड़ी चला सकता है। जैसे मैंने अपना जो बनाया ना, चैट जीपीटी प्लस आपका अपना कंटेंट डाल दो उसमें, उससे वो सर्च करके बनाता है, बस आपका फॉर्मेट वो चेंज कर देगा, आपको जो नाम लगाना लगा दो, ऐप बनाते हैं ना वैसे, बहुत शानदार है। टीचर की जॉब को खतरा है आने वाले टाइम में।
अरे भाई बातचीत में कहाँ लग गए, बना लिया सबने? ये पता चला तुमको ये दो कौन है? कौन है वो दो बताओ? तुमने ये फोटोग्राफ्ट किया ना यहाँ से और यहाँ से, तो एक बनाया होगा तुमने बेंजीन, एक बेंजीन के साथ उस तरफ क्या बनाया तुमने? सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बेंजीन। एक तो ये बनाया, अब बताओ ए डैश कौन है? हाँ, जैसे अपन ने फोटोग्राफ यहां किया यहां किया, ऐसे अपन एक बार फोटोग्राफ यहां और यहां कर सकते हैं ना। पोजिशनल आइसोमर बन रहे हैं वो, इसमें एसिड यहां बनेगा और ये कीटो यहां बनेगा। देखो जरा ये बनाया तुमने, अब बी बी डैश क्या बनेगा? यार बी बी डैश सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा ना। जैसे मान लो इसका अगर अपन क्लेमेंसन करेंगे, ये हमारा फिनाइल रिंग, एसिड एसिड ये बनेगा ना, और बी डैश ये बनेगा कि ये मतलब बेंजाइल ग्रुप ऊपर एसिड नीचे, इंटरचेंज हो जाएंगे ना दोनों। और सी सी डैश क्या बनेगा? इंट्रामोलिकुलर फोटोग्राफ, इंट्रामोलिकुलर फोटोग्राफ करेंगे, ये बन रहा है ना सी। और सी डैश क्या होगा बताओ? ये कीटोन ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है? अब समझ में आया डी ए की क्यों बनेगा? क्योंकि ये रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन हो जाएगा तो हमारा कीटोन तो खत्म हो जाएगा, और पीडीसी तो पता ही है तुमको, एस टू निकाल के वो सब एडजस्ट कर देगा। समझे आप? वो 5-7 डीपीपी तुम बनाने के लिए ले गए थे घर, लास्ट क्लास जब हुई थी 2 हफ्ते पहले, तुम्हारा वसीम सर का 1-2 लेक्चर बचा हुआ है ना, तो तुम्हारा देखो वसीम सर ने कार्बोहाइड्रेट करा दिया तुम्हें, एमिनो एसिड करा दिया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं कराया, वो कराएंगे अभी, है ना? वो एवरीडे लाइफ है ना, पहले सिर्फ मेंस के सिलेबस में था, लास्ट ईयर से वो एडवांस के सिलेबस में ऐड हो गया, और वैसे भी तुम्हारे बोर्ड में है, तुमको तो वैसे ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेंस का जो एनसीईआरटी पूरा का पूरा एडवांस के सिलेबस में है, समझ रहे हो, है ना? और तुम्हारा हैलाइड चैप्टर हो चुका है, आइसोमेरिज्म पहले ही कर चुके थे अपन, हाइड्रोकार्बन अपन कर चुके हैं, अल्कोहल अपन कर चुके हैं, ये मेन कार्बोनिल कंपाउंड चल रहा है, और एक POC बचा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा इस महीने तुम्हारा पूरा हो जाए, ठीक है? एक कार्बिन नाइट्रीन छोटे छोटे टॉपिक है, आज तारीख है अपनी,
आज 1 तारीख है और तुम छुट्टी में जाओगे 29 तारीख को जाओगे ना, 26 को क्यों जाओगे, 27 को जाओगे। अच्छा बीच में देखेंगे अगर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा ना तो फिर छुट्टी से 2 दिन पहले 1 दिन बुला के दोनों दरवाजे बंद कर लेंगे और कोर्स खत्म करके भेजेंगे। समझ गए भाई, मैं तो ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम्हारे और भी सब्जेक्ट में यार होमवर्क वोमवर्क रहता है ना यार, बाकी तो मैं चाहूँ तो थोड़ा डबल पढ़ा सकता हूँ। चलो अच्छा, एक मैंने गिफ्ट लाया हूँ तुम लोगों के लिए यार, कौन कौन गिफ्ट लेना चाहेगा? ये मैं सिर्फ उसी को दूंगा जिसने मेरे को है ना पहले बधाई दी थी, है ना, आयरन मैन हैट्रिक करने पर बधाई जिसने दी। किसने किसने बधाई दी? एक तो सौरभ तुमने बधाई दी थी यार, आ जाओ मराठी मानुस आ जाओ, एक मराठी मानुस ने बधाई दी थी और दूसरा कौन था? अरे हरिद्वार पहले जिसने, इसको क्या करना है, इसको है ना स्टिकर है ये, कि बाहर निकालना है और रूम पे ऐसे चिपकाना है ऐसे, और ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं ये 3 बार बोलनी है और ज़ोर ज़ोर से बोलनी है ना, ठीक है, देखना शानदार काम हो जाएगा तुम्हारा। और किसने बधाई दी थी भाई? सौरभ तुम आ जाओ, सौरभ ने पहले एक दिन दी थी बधाई यार, एडवांस वाले में मान लूंगा, आ जाओ। क्या करना समझ गए? 3 बार बोलना है, रोज बोलना है और जोर जोर से बोलना है ना। अच्छा अरे बस सौरभ, अरे पृथ्वीराज आ जाओ, पृथ्वीराज तुमने बधाई दी थी ना उस दिन यार, तुम्हारे मन से बधाई दी थी, लिखा नहीं था मैं जानता हूँ यार, आ जाओ आ जाओ पृथ्वीराज। अच्छा अगली बार होमवर्क में क्या बना के लाओगे? तुम्हारे सीट मिल गई अल्कोहल इथर वाली? कामल की मिली, अल्कोहल इथर वाली नहीं मिली। रैंक 100 रैंक इंप्रूवमेंट की गारंटी है एकदम, ठीक है। क्या भाई खुश रहो, वो सीट कौन सी मिली? कामल कंपाउंड वाली, दिखाओ एक मिनट। पहले अपन डीपी दिखाओ ना, सारी डीपी पूरी कर लेते हैं एक बार। यार इसमें तो अभी 1-2 चीज अभी कराई नहीं है, 1-2 लेक्चर बाद होगी ये तो। अल्कोहल वाली सीट नहीं मिली तुमको? मिली नहीं है, याद नहीं है तुमको? नहीं मिली अल्कोहल इथर वाली। अच्छा तो डीपी दिखाओ सारी। डीपी वाली फोल्डर नहीं है? पिछली क्लास में मैंने जो 5 डीपी दी थी याद है तुम लोगों को? क्या नंबर, क्या नंबर याद है तुमको? इसके बीच में कोई डीपी छूट गई हो बना लेना सारी, ये पूरा फोल्डर एक बार बनाना है आपको। मेरे हिसाब से लास्ट की 1-2 डीपी बची हुई है, बाकी तो आप सब कर चुके हो। सुन रहे हो भाई? अब मैं तुमको 1-3 लाइन बताऊंगा जो अभी मैंने इनको तो गिफ्ट दिया है ना, 3 लाइन मेरे साथ बोलनी है और कोशिश करना है कि रोज एक, है ना, मतलब एक अफ्रीकन बच्चा है
तो छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा था, है ना, तो वो रोज उसकी तीन लाइनें बोलते हुए जा रहा था। वो इतना फेमस हुआ कि यूएसए के अंदर एक शो में भी बुलाया उसको, जो तीन लाइनें इतनी अच्छी, वो इतना पॉजिटिव है बच्चा कि मतलब आप उससे बात करोगे ना एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम। तो उसकी माँ ने उसको सिखाया कि भाई ये तीन लाइन आपको हमेशा बोलते हुए स्कूल जाना है। तो जब भी वो स्कूल जाता है बैग लेते हुए तीनों लाइन बोलते बोलते जाता है ऐसे। अब वो तीनों लाइन क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। हाँ सुना तुमने, चलो सब लोग खड़े हो जाओ। आप वापस बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये तो ऐसे ही मैं थोड़ी एक्सरसाइज करवा था, बैठ जाओ। तो पहली लाइन ये है, सब पहले रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो अपनी एकदम स्ट्रेट। पहले क्या बोलना है आपको, सबसे पहले तीन लाइन में से सबसे पहले बोलना है आई एम स्मार्ट, जोर से और जोर से। सेकंड बोलना है आई एम ब्लेस्ड, थर्ड बोलना है आई कैन डू एनीथिंग, अब तीनों वापस रिपीट करो, क्या बोलना है आई एम ब्लेस्ड आई कैन डू एनीथिंग, ये रोज आपको पांच बार रिपीट करना है, समझ गए, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा यार मैं स्मार्ट हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गए, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं फिर आगे। Bye.